गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द AIS द गुरुकुल. इन फोर क्लास टूडे वी स्टडी हिंदी चैप्टर फाइव पार्ट सेकेंड. ओपन योर बुक पेज नंबर 32. फर्स्ट क्वेश्चन, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जिसमें हमने इसका मौखिक प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें फर्स्ट थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने के लिए दिए थे. ठीक है, देखिए इसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा था, निर्जर और सरिता मनुष्य से क्या कहते हैं. निर्जर और सरिता मनुष्य से आगे बढ़ने का संदेश देते हैं. सेकंड, धैर्यशील और महान बनने के लिए कौन कहता है. धैर्यशील और महान बनने के लिए सागर कहता है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, भूतल कैसे सजाना है. भूतल इतना श्रम करके मानव धरती को स्वर्ग जैसे बनाना है. ठीक है, सेकेंड देखिए, आपको सेकेंड क्वेश्चन नहीं करना था. थर्ड क्वेश्चन में राइट रॉन्ग थे, फर्स्ट में राइट, सेकेंड में रॉन्ग, थर्ड में राइट और फोर्थ में राइट, और ये मैचअप करने थे. ठीक है, जो होते हैं पर्यायवाची समानार्थी शब्द. अब आ जाइए नेक्स्ट पेपर पे, आप पेज नंबर आपके निकाल लीजिए 32, जिसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन देखें. ये उतारना, सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो. ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, सरिता कहती है हो गतिमान. जैसे कि ये लिखा हुआ है, सरिता कहती है हो गतिमान, इसका क्या अर्थ है. तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे आप, सरिता कहती है हो गतिमान का अर्थ है हमेशा हमें अपने कार्य को प्रगति के पथ पर करते रहना. यानी एक बार अगेन फिर से बोल रही हूँ, देख लीजिए कि हमें सरिता कहती है हो गतिमान का अर्थ है हमेशा हमें अपने कार्य को प्रगति के पथ पे करते रहना. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके बुक की सहायता से उतार लीजिएगा. ये रहा देखिए सेकंड क्वेश्चन, खै में हम इस धरती को कैसे सजा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड बुक की सहायता से उतार लीजिएगा. ठीक है, सेकंड का आंसर देखिए, ये लिखा हुआ, इस धरती को हम हरियाली और फल फूलों से सजा सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन आपके दे रखा है, हम इस धरती को कैसे सजा सकते हैं. तो आंसर क्या लिखेंगे, हम इस धरती को हरियाली और फल फूलों से सजा सकते हैं. हम इस धरती को हरियाली और फल फूलों से सजा सकते हैं. ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको उतारना है, जैसे गाय वाला में दे रखा है, हम धरती को स्वर्ग कैसे बनाएं. तो इसमें आंसर लिखना है, कठिन परिश्रम करके हम इस धरती को स्वर्ग जैसा बनाएं. क्या करना है, पहले आपको बुक की सहायता से पेज नंबर 32 पे द्वितीय भाग का जो गाय वाला क्वेश्चन दे रखा है, बुक की सहायता से नोटबुक में उतारना है, हम धरती को स्वर्ग कैसे बनाएं. फिर ठीक है, फिर आंसर लिखना है, कठिन परिश्रम करके हम इस धरती को स्वर्ग जैसा बनाएं. ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें लास्ट वाला दे रखा है, इस कविता से मैं निर्जर, सरिता, सागर, तारे, सूरज, पौधे आदि हमें क्या संदेश देते हैं. लास्ट आपको इसके बुक की सहायता से उतारना है, जैसे घड़ी वाला क्वेश्चन ये वाला, इस कविता में निर्जर, सरिता, सागर, तारे, सूरज हमें क्या संदेश देते हैं. ठीक है, इसमें ये रहा, इस कविता में लास्ट में आंसर लिख रहा, ओनली फॉर आंसर लिखा, बुक की सहायता से क्वेश्चन उतार लीजिएगा. ठीक है, देखिए इस कविता में निर्जर यानी झरना, ठीक है, झरना हमेशा, निर्जर हमेशा आगे बढ़ने, ठीक है, फिर कोमा लगा देना है, फिर सरिता गतिमान रहने, सरिता यानी नदियाँ, ठीक है, नदियाँ हमेशा गति करते रहने, वे सागर हमेशा धैर्यशील बनने, यानी धैर्यशील यानी रुकाव, धीरे धीरे से, धीरे से काम करने का, तथा तारे धरती को जगमग करते करने, तथा सूरज नई रोशनी भरने और पौधे चारों ओर हरियाली फैलाने की सीख देते हैं. ये आंसर आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में लिख देना है. ठीक है, हो गए 1, 2, 3, 4, ये द्वितीय भाग कंप्लीट हो गया, 1, 2, 3, 4. ठीक है, जो आप बुक के साथ आज क्वेश्चन उतार लेना, आंसर ये रहे बोर्ड पे, एक बार इनको देख लीजिए, फिर मैं इनको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवा रही हूँ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेकंड वाला दे रखा है, कविता की पंक्तियों को पूरा करो। ये कविता दे रखी है आपको, इसकी पंक्तियाँ पूरी करनी है। फर्स्ट लिख रखा है इसमें तारों का संदेश की धरती, ठीक है। और यहाँ पे आपकी अंडरलाइन दे रखी है खाली, ठीक है। इसको पूरा करते हैं हम। जगमग जगमग कर दो, ठीक है। आगे सूरज कहता उक्कड़ जग में नई रोशनी भर दो, ठीक है। ये इस साइड वाले फिल इन द ब्लैंक से इस साइड वाले, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपके। सूरज के बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है और नीचे ये भर देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ लाइन करी है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकंड इस साइड वाला देखिए, जो इधर दे रखा है पौधे कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए लिख रखा है पौधे कहते, इतना ही लिख रखा है, ठीक है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स, फिर लाइन और फिर लाइन, ऐसे दे रखा है, ठीक है। इसको हम पीछे से करेंगे। पीछे ये दे रखा है इधर, देखिए ये रहा थर्ड वाला जो दे रखा है, यही पैराग्राफ है, ठीक है। पौधे कहते इस दुनिया में हरियाली सरसाना है, आगे अपने श्रम के फल फूलों से भूतल खूब सजाना है। यहाँ हो जाएगा भूतल, भूतल खूब सजाना है, ओके। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। देखिए इस साइड वाला फिल इन द ब्लैंक्स, ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। ये हमारा द्वितीय भाग कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।